चीन से फैले कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। वायरस का सही इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब लंदन के व्हाइट चैपल में स्थित वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने अब वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए 24 लोगों को बुलाया है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो कोई भी शख्स अपने ऊपर वैक्सीन टेस्ट कराए उसे 3,500 पाउंड यानी 3,39,228 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए एक अजीब शर्त भी रखी गई है। इस टेस्ट को कराने से पहले उस शख्स को कोरोना वायरस से संक्रमित होना होगा। डेली मेल की खबर के मुताबिक लंदन के व्हाइट चैपल स्थित द क्वीन मेरी बायो एंटरप्राइजेज इनोवेशन सेंटर ने कोरोना वायरस को खत्म करने वाले वैक्सीन को बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिक अपनी इस वैक्सीन का टेस्ट कर देखना चाहते हैं कि ये कितना कारगर है। सेंटर के वैज्ञानिकों ने इसके लिए 24 लोगों को भर्ती करने की भी तैयारी की है। इन सभी लोगों पर कोरोना वायरस के वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। जिस वैक्सीन का परीक्षण इन 24 लोगों पर किया जाएगा उसमें सांस बीमारी की दवा भी मिली है। बता दें कि इस परीक्षण में शामिल होने वाले शख्स के शरीर में कोरोना वायरस का कमजोर स्ट्रेन डाला जाएगा। इसके बाद मरीज में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जब परीक्षण में शामिल शख्स में कोरोना वायरस का असर दिखने लगेगा तब उस पर वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। HVV कंपनी ने बताया है कि जिन 24 लोगों पर कोरोना के वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पर दिया जाएगा। इन दो हफ्तों में परीक्षण के दौरान दवा का असर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पर कैसे असर कर रही इसका अध्ययन किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूरोपियन देशों की 35 कंपनियां दवा बनाने में जुटी हुई हैं। ब्रिटेन की सरकार ने तो कोरोना वायरस की दवा खोजने के लिए 440 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं।